नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में सप्ताह से हो रही दिन प्रतिदिन हत्या पुलिस का सिरदर्द बनी हुई थी। महज सप्ताह के अंदर 5 लोगों की निर्मम हत्या की अलग अलग रात्रि में सोए अवस्था में होती थी। सरवन कुमार यादव जो गैरेज पर सड़क किनारे सोया हुआ था, जिस पर हटोरी से तावर तोड़वार कर रहा, जिसकी दुकान में सीसी कैमरा लगा रहने के कारण कैमरे में कैद हो गया। इलाके में हो रही दिन ब दिन हो रही हत्याओं का राज पुलिस के लिए पहेली बनी थी। हर एक पहलू से पुलिस अनुसंधान में लगी हुई थी कि हत्या कौन कर रहा है, लेकिन हो रही इलाके में हत्याओं का राज नहीं खुल रहा था। बीती रात हुई रामचंद्र महतो की हत्या एवं सरवन कुमार यादव पर सोए सीसी फुटेज पुलिस को मिलने से रहस्य से पर्दा उठेगी। बीती रात रामचंद्र महतो की हत्या से हुए आक्रोशित लोगों ने लाश लेकर पंचवटी स्थान सिंघिया घाट को पूरी तरह जाम कर अपराधी को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। डीएसपी अरुण कुमार दुबे एवं थाना अध्यक्ष कृष्ण चंद्र भारती के आश्वासन कि हत्यारे को चिन्हित कर 3 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटाया। इस हो रही हत्याओं से संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। कौन मुजरिम है, ये कौन कर रहा है? एक जगह सीसीटीवी के फुटेज देख के ये ज्ञात हुआ कि कोई साइको किलर तरह का व्यक्ति है, जो हथौड़ी से सोए हुए व्यक्ति, रोड के किनारे सोए हुए व्यक्ति पर सर से प्रहार कर रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बीते दिनों में भी 2 घटनाएं हुई हैं, एक ही तरह का घटनाक्रम है। रोड के किनारे सोए हुए व्यक्ति पे हथौड़े से प्रहार किया गया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी को दिखा के उसकी पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह की घटनाएं हो रही है? ग्रामीणों को सहयोग के लिए कि वो हमको उस व्यक्ति की पहचान में सहयोग करें, तथा हम तो गश्ती करेंगे ही, ग्रामीण एक दल बना के गश्ती करें, इस बात की निगरानी रखें कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर घूमते हुए नजर आए तो हम मुझे सूचना दें।